एवरीवन, मेरा नाम है डॉल्फिन सक्सेना। मैं हूँ ब्यूटी एक्सपर्ट ऑन बायोमी एकेडमी और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप अपने क्लाइंट के लिए या फिर आपके खुद के लिए कैसे पा सकते हैं ये ड्यूवी ग्लॉसी सुपर शाइनी मेकअप जो कि सबको पसंद आता है और सब पर जचता है। क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, एंड तक देखिए वीडियो को इस लुक के लिए। दरअसल आपके क्लाइंट की स्किन जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड, अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, तभी ये मेकअप और ज्यादा निकल कर आता है। अगला स्टेप है फेस ऑयल, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए सजेस्ट करूंगी। अगर आपके क्लाइंट की ऑयली स्किन है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे से ऑयल अब्सॉर्ब हो गया है, उसके बाद हम लगाएंगे एक ड्यूई प्राइमर। हमारे प्राइमर से ही हमें स्टार्ट कर देना है ड्यूईनेस को मेंटेन करने के लिए, तभी जो वो फुल ग्लॉसी और ड्यूई लुक है वो अचीव हो पाएगी। अगर आपके क्लाइंट के थोड़े पोर्स ओपन हैं, तो आप थोड़ा सिलिकन बेस्ड प्राइमर लेके पोर्स वाले एरिया में भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मीडियम कवरेज का फाउंडेशन, आप चाहें तो ज्यादा कवरेज का फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके क्लाइंट के ऊपर। लेकिन ड्यूई मेकअप में मैं सजेस्ट करूंगी लाइट टू मीडियम कवरेज ज्यादा सूट करता है। डॉट डॉट करके आपको फुल फेस पे लगा देना है। मैंने इस मार्क को एक डार्कर कंसीलर से कंसील करके सेम फाउंडेशन से कवर कर दिया है। अब मैं हाईलाइट करूंगी अपना अंडर आई विद अ लाइटर टोन, इनर साइड पर और आउटर साइड पर, सिमिलरली यहां भी और यहां भी, एक यहां पर और एक सेंटर में ऐसे लाइन। बेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक लिक्विड हाइलाइटर इस तरह से ब्लेंडर पर लेना है और सारे हाई पॉइंट्स पर इसे ब्लेंड कर देना है। अब हम ऐड करेंगे एक लिक्विड ब्लश कुछ इस तरह से और से करेंगे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की दूसरी साइड से ब्लेंड। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ एक क्रीम कंटूर, हल्का सा यहाँ लगाना है और हल्का सा यहाँ। अभी तक हमने कोई भी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाया है, यानी हम पहले सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम पाउडर पे बढ़ेंगे। अब क्योंकि काफी देर से हमने कंसीलर ऐसे ही छोड़ रखा था तो उस पर क्रीजेस आ गई हैं, आप वापस से सेम ब्लेंडर से लेके उसे दोबारा से सेट कर सकते हैं और फिर लीजिए अपना पाउडर ऑन अ पाउडर ब्रश एंड देन स्टार्ट डैबिंग इट। याद रखिए ड्यूई बेस में आपको पाउडर सिर्फ अंडर आई पे फोकस करना है और माउथ के अराउंड लैफ लाइंस के पास। इसमें बचा हुआ पाउडर है मैं उसी को ही पूरे चेहरे पे हल्का सा डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब हम एक पाउडर ब्लश से हमारे ब्लश को सेट करना है। क्लाइंट की आईब्राउज को फिल कर लीजिए। आईज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत सॉफ्ट टोन्स लीजिए। यहां मैं पीच पिक कर रही हूं तो मैं पूरी आई पे ब्लेंड कर रही हूं और हल्का सा ब्राउन। यहां मैं ऐड कर रही हूं ब्राउन काजल सम मस्कारा और अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की जो कि है हाइलाइटर। मैं एक ब्राउन ब्रश लेकर अपने इनर कॉर्नर्स में फिल करूंगी कुछ इस तरह से। और अब एक फ्लैट ब्रश से अपने के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से को हाईलाइट करेंगे। अब उसी ब्रश के साथ नोज के टिप पर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के
नहीं, क्यूपिड्स बो पर, चिन पर, जो भी हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, हाईलाइट आपके चेहरे के हैं, वहां आपको हाईलाइट करना है। और आखिर में आता है हमारा चेहरा, यानी गालों पे हाईलाइटर। यहां कोई कंजूसी मत करिएगा। आपके क्लाइंट अगर ज्यादा मांगती है तो आप उसे ज्यादा भी दे सकते हैं। आखिर में लिप लाइनर लगाने के बाद आपको ऐड करना है एक ग्लॉसी लिपस्टिक। क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक की थोड़ी देर में शाइन चली जाती है, तो आप चाहें तो अलग से भी ग्लॉस ऐड कर सकते हैं। आखिर में ऐड करिए शाइन स्प्रे एंड यू डन।